तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सागर तिवारी सस तिवारी चैनल पे फिर से एक बार। और आज मैं फिर से एक इंटरनेशनल हॉन्टेड लोकेशन पे आ चुका हूँ, और थंबनेल देख के आपने देख ही लिया होगा कि कौन सी जगह पे हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं हूँ रशिया के त्वेर एक सिटी में, जहाँ पे है एक अबेंडेंड स्टेडियम, बहुत बड़ा। आप कैमरे से तो नहीं देख पाओगे, लेकिन मैं जितना दिखाना पॉसिबल कर सकता हूँ उतनी मैं कोशिश पूरी करूँगा। ये है एक अबेंडेंड स्टेडियम। तो भाई आज हमारे साथ में, भाई क्या नाम है आपका? या अनूप कुमार शर्मा। भाई शर्मा जी थोड़ा सा कैमरे के सामने बोलिए। या अनूप कुमार शर्मा। हाँ जी भाई, तो आज भाई ने हेल्प करी है, भाई के सपोर्ट से आज हम यहाँ पे आ पाए। और आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल सिटी के आउटस्कर्ट में है, जहाँ पे ना ही कोई आता है ना ही कोई यहाँ से निकलता है। इसकी कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले भाई से कहूँगा कि भाई थोड़ा स्टेडियम दिखाइए हमें। इस देश मनोगा चिलोविक इस देश इग्राइस ताम मनोगा जर्मन्स की सोल्दात उमेर इस तगदा मनोगा तगदा मनोगा चिलोविक इग्राइस तपतुम ऑन ये तस्पाक नूजनो एता नियतो चिलोविक दादा तब ता उचिंग इग्रूस इग्रूस इग्रूस। तो भाई अभी एक्चुअली रशियन लैंग्वेज में आपको बता रहा है, लेकिन भाई से मैं ये कहूँगा कि भाई जो भी मैं जब सवाल पूछूँगा डिवाइस लगा के, तब आपने रशियन वर्ड का यूज़ करना है। उससे पहले आपको हिंदी में बताना है, कुछ भी होगा आप बताना कि क्या था, कैसे कैसे स्टेडियम। तो स्टेडियम भाई इस तरफ है ना पूरा? यहाँ पे स्टेडियम। अच्छा अच्छा, आ जाइए आ जाइए। ये देखिए, ये स्टेडियम की पूरी सिटिंग्स हैं, जहाँ पे लोग बैठा करते थे। आपको देख के पता चल रहा होगा, यहाँ पे ना ही कोई आता है ना ही कोई जाता है, और ये कई सालों से बंद है। भाई कितना टाइम हो गया होगा इसको बंद हुए हुए? 70-80 साल। 70-80 साल से ये बंद है, कोई आता जाता नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं आता जाता नहीं। और थोड़ा सा यार और कोशिश करते हैं आगे दिखाने की। एक बार मैं ज़रा कैमरा होल्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा, और भाई थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलें। चल सकते हैं यार, ये देखिए पूरे में घास ही घास है, और मेरे को लग रहा है कि सिटिंग ज़्यादा क्लियर भाई शायद उस तरफ से दिखेंगी, राइट? 70-80 साल हो गए, अब सिटिंग सारे टूट गए हैं। हाँ, बहुत दो बार तीन बार जल चुका है यहाँ पे, पूरा शहर एक बार जल गया था। अच्छा, तो ये रशिया और जर्मन, सोवियत और जर्मन के टाइम की जो वॉर हुई थी ना, हाँ, उस टाइम से ये बंद है। यहाँ क्या हुआ था, जर्मन्स लोग, बहुत सारे जर्मन्स मारे गए थे इसी जगह पे। अच्छा, और मारे गए थे, इसके ऊपर स्टेडियम बना दिया इन लोगों ने। हाँ, पर क्या हुआ कि स्टेडियम बनाया गया, पहला गेम हुआ, पहला गेम होते ही जो यहाँ खिलाड़ी खेलने आए थे, हाँ, वो खेले, हाँ, रात में 7-8 खिलाड़ी गायब हो गए। अच्छा, 7-8 गायब हो गए यहाँ से? अच्छा, 7-8 खिलाड़ी गायब हो गए। अगली बार ढूंढने की कोशिश की, नहीं हुआ। हाँ, फिर एक महीने बाद इन्वेस्टिगेशन हुई, पर कुछ पता नहीं चला। फिर अगली बार 1-2 महीने बाद, हाँ, एक गेम हुआ, उसमें, हाँ, भी पूरी की पूरी एक टीम गायब हो गई। अच्छा, गायब हो गई पूरी की पूरी टीम गायब हो गई रात में। मतलब खेल के गए थे यहाँ से या नहीं? क्या? रात के टाइम में जब सोते थे ना, हाँ, तो कमरे से गायब। अच्छा, कमरे से गायब, कोई अता पता नहीं, लापता हो गए। और बताते हैं कि जब वो वॉर हुआ था, हाँ, तो यहाँ पे जर्मन की स्पिरिट्स दिखती है, राइट? हाँ, जर्मन की स्पिरिट दिखती है यहाँ पे। और वो चीज वो भाई ने बताई थी, खासा भाई ने बताई थी, एक बार होल्ड कर लेना कैमरा यहाँ से। तो शर्मा जी के मुंह से आपने सुना कि यहाँ पे टीम गायब हो गई थी दो बार। यहाँ पे जो एथलीट थे, जो चैंपियंस थे, प्रैक्टिस करते थे, वो यहाँ से रातों रात गायब हो गए और पता ही नहीं चला इन्वेस्टिगेशन के बाद। और दूसरी चीज़ जो खासा भाई ने मुझे यहाँ पे बताई थी, वो ये थी कि यहाँ पे जो 3 एथलीट थे, उनकी डेथ हो गई थी। हाँ, उनकी डेथ हो गई थी। और फिर काफ़ी लोगों के बीच में ये रूमर फैला और ये अफवाहें फैली कि यहाँ पे लोगों को भूत दिखता है, एथलीटों को भूत उठा के ले गए हैं। अब आप अपने दिमाग से ही सोच सकते हैं कि यार एक टीम, इतने सारे लोग, एक इतने बड़े स्टेडियम पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के बाद ये जगह रात ही रात में खाली कर दी गई और इस पूरे स्टेडियम को बंद कर दिया गया। थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे कुछ है कि नहीं है।
और देखिए उस तरफ चलते हैं एक बार। बड़ी बड़ी यहाँ पे घासें उग चुकी हैं, पेड़ उग चुके हैं, ये देखिए ये होर्डिंग्स हुआ करते थे यहाँ पे। क्या होते थे भाई? होर्डिंग्स। होर्डिंग्स हाँ, जिस पे एडवर्टाइजमेंट होती थी यहाँ पे। अच्छा, जिस पे एडवर्टाइजमेंट होती थी। ये होर्डिंग्स हैं, देखो ये गिरे पड़े हैं सारे, गल गए पूरे पूरे 70-80 साल से तो गले पड़े गए। और यहाँ कहा जाता है नाजीज जो हार गए थे सोवियत वॉर में, हाँ, तो वो मर करके इनका बदला लेते हैं। जो हार गए थे नाजीज, नाजीज जो हार गए थे, जर्मन्स जो थे, हाँ, वो हारे थे, हाँ, हाँ, तो ये जो मर गए ना, इसलिए इन लोगों ने बदला लिया था, हाँ, खिलाड़ियों से यहाँ पे। और अक्सर कहा जाता है कि हर एक साल दो साल में ना, हाँ, 10 से 12 लोग गायब हो जाते हैं। अच्छा, इस जगह जो भी आता जाता है, आपने भाई के मुँह से सुना कि यहाँ पे जो भी आता जाता है वो गायब हो जाते हैं। आज तक मैंने कभी ऐसी हॉन्टेड स्टोरी ना ही ऐसी जगह के बारे में सुना है, लेकिन भाई आपके सामने है। मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि देखिए मेरे को जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, रशियन लैंग्वेज नहीं आती, सो डैट भाई ट्रांसलेट करके आपको बता रहा है और समझा भी रहा है क्या क्या यहाँ की कहानी थी। और देखिए एक बार ये बोर्ड दिख रहा है आपको सामने, ये भाई क्या है ये सामने जो दिख रहा है? स्टेडियम। अच्छा, लाइट में नहीं आ रहा ये, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ आगे दिखाने की। ये देखिए, ये भाई हम छोटी सी लाइट लेके घूम रहे हैं क्योंकि मेरे पास वेट अलाउंस ज़्यादा नहीं था। भाई एक बार पकड़ना, ये देखिए यार कितनी बड़ी होर्डिंग्स है, कितनी बड़ी ये जगह है। अरे टूट टूट जा रही है, ये टूटी टूटी जा रही है। देखिए ये देखिए आपके सामने, और इस लकड़ी को देख के पता चल रहा है यार यही कम से कम 100 साल पुरानी है। ये देखिए, हाँ भाई, और थोड़ा सा इस तरफ हमें वो स्टेडियम दिख सकता है और क्लियर। जहाँ से ये सिटिंग पूरी हो, किस तरफ? अच्छा उस तरफ, चलो उस तरफ हम लेके चलेंगे, लेकिन पहले भाई इन्वेस्टिगेशन करें। हाँ, और अब ये पूरा स्टेडियम बिल्कुल जंगल बन चुका है, यहाँ पे कोई भी नहीं आता जाता। और ये देखिए लाइट्स दिख रही हैं आपको, ये फ्लड लाइट्स है सामने लाइट्स। अच्छा भाई, इसमें कैप्चर नहीं हो पा रही है बढ़िया। देखिए पोल सा एक दिख रहा होगा आपको, पीछे वाली फ्लड लाइट्स देख सकते हैं आप, पीछे वाली फ्लड लाइट्स वो देखिए सामने। ये सारा यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइट्स हैं जो कि स्टेडियम में लाइट्स देती थी, लेकिन अब ये पूरा जंगल में तब्दील हो चुका है। और चलें अंदर चलें? नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं अंदर की तरफ नहीं जाऊंगा। यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हर साल बहुत सारी मौतें होती हैं, मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा। अच्छा, ज़्यादा अंदर नहीं जाओगे? नहीं। अच्छा, मुझे डर लग रहा है। ज़्यादा डर लग रहा है क्या? हाँ भाई, अब मैं इतनी दूर तक कभी नहीं आया, कभी जब भी ऊपर से ही देखा है, बस ऊपर से देखा, बस बाहर से। अच्छा, वो भी दोस्तों यारों के साथ वो भी बाहर से। चलो कोई नहीं, यहाँ तो खड़े हो सकते हो ना। हाँ, मैं खड़ा हुआ हूँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं भाई, आप वहीं रहिए। ये लाइट हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, आपको मैं बता देता हूँ ये तब जलती है जब इसके सामने से कोई मूव करता है, समझ रहे हैं? मोशन सेंसर, समझ गए ना आप? तो जो भी मैं सवाल पूछूंगा बस आपको वो रशियन में रिपीट करना है और कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी उन स्पिरिट से जिनकी यहाँ पे डेथ हुई और उन लोगों से जो यहाँ पे गायब हुए। तो जैसे जैसे मैं सवाल पूछूंगा वैसे वैसे आप रिपीट करना और कोशिश करेंगे। मैं पीछे हो जाता हूँ, आप फ्रंट पे रहना, ठीक है? क्या यहाँ पे कोई है जो हमें देख सकता है, सुन सकता है? भाई थोड़ा सा पीछे आ जाइए, थोड़ा सा पीछे आके कैमरे की तरफ बोलिए। हाँ, क्या यहाँ पे कोई है जो हमें देख सकता है, सुन सकता है? इस देश चिलाविक यस तेली नियत सुरुषित मिनिया। क्या यहाँ पे कोई भटकता है? इस देश यस तेली नियत गुलियाल नियत गुलियाल है।
क्या यहाँ पे किसी एथलीट की स्पिरिट है? इस देश इग्रुस का ये नियत 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 भाई थोड़ा सा पीछे आ जाइए, थोड़ा सा पीछे आ जाइए। एक्चुअली कृष्णा भाई हमारे साथ में, तो भाई शूट कर रहे हैं, भाई को भी डर लग रहा है मेरे को, भाई ने कैमरा दे दिया। लेके चले आते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भाई। क्या किसी और की स्पिरिट है जो यहाँ पे भटकती है इस स्टेडियम को छोड़ के? इसियो मनोगा चिलाविक यस इलिनियत गुलियाल इलिनियत। क्या कोई हमें यहाँ पे देख सकता है? इस देश पिशित मिनिया इलिनियत। भाई यहाँ पे एक मिनट पकड़ना, यहाँ पे ये साइन मिला है कि कोई हमें देख सकता है आपके सामने, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो कि वो कौन है, क्योंकि ये एक अबेंडेंट जगह है। और एक बार इनसे बोलना आप जा, क्या क्या यहाँ से जा सकते हैं? वी विदु प्रीलिनियर। ये देखिए द ऑन प्रेकले ही हैज गॉन, वो चला गया। क्या ये सच है कि यहाँ पे जो लोग गायब हुए वो आज भी यहाँ पे भटकते हैं? इस देश चिलाविक प्रिय देश नियत इलिनियत द कन्याशना। क्या आप हमसे बात कर सकते हैं? वी गवारित इलिनियत वी मौजूद विद। क्या यहाँ पे किसी जर्मन सोल्जर की स्पिरिट है? इस देश जर्मन्स की सोल्दात उमेर इलिनियत। क्या यहाँ पे किसी जर्मन सोल्जर की स्पिरिट है जो भटकती है आज भी इस स्टेडियम में? इस देश जर्मन्स की सोल्दात उमेर प्रियखले गुलियाल इलिनियत। किसी जर्मन की यहाँ पे स्पिरिट है जो भटकती है, लेकिन अभी तक किसी एथलीट की और जो यहाँ पे लोग जिनकी डेथ हुई वहाँ पे, मतलब इस जगह पे कोई भी नहीं है ऐसा। और क्या आप हमसे बात कर सकते हैं? वी गवारित इलिनियत। अभी नहीं करना चाहते। क्या आप हमसे बात कर सकते हैं? वी गवारित मिनिया नियत। क्या किसी और जर्मन सोल्जर की स्पिरिट है यहाँ पे उसके अलावा? इसियो जर्मन्स की सोल्दात उमेर इलिनियत। क्या आप चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं? वी कोचिस वी प्रेखले इलिनियत। ये देखिए मतलब ये हमसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, ये चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। और मुझे लगता है कि किसी को डिस्टर्ब करना गलत चीज़, अच्छी बात नहीं है। और इससे ये प्रूफ होता है कि यहाँ पे किसी ना किसी की स्पिरिट है, और जिसकी स्पिरिट है वो एक जर्मन सोल्जर की स्पिरिट है। राइट, गाइज, एक अनजान देश में जब हम ये शूट करते हैं तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, और आप समझ सकते हैं। और एक ऐसी स्पिरिट जिसके बारे में कुछ नहीं पता, जिसके बारे में ये भी नहीं पता कि अगर वो हमारे पीछे भी आ गई तो हम उससे डील कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि भाई को भी कोई हार्म पहुँचे और मुझे कोई हार्म पहुँचे, लेकिन बस हमारा मेन मकसद ये होता है कि अगर कोई भी ऐसी जगह है हॉन्टेड तो वहाँ पे किसी की स्पिरिट है या नहीं, मतलब एक जगह के बारे में ये बताना कि वो जगह वाकई में हॉन्टेड है या नहीं। लेकिन हमें यहाँ पे साइन मिले जिसमें आपके सामने एक प्रूफ था कि यहाँ से आप चले जाइए, और बस हम यही कहना चाहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि काफ़ी लोग ये भी कहेंगे कि भाई यहाँ पे आप डिवाइसेस नहीं लाए। एक्चुअली मेरा जो वेट अलाउंस था ना वो 10 kg था, जिसमें मेरे बहुत सारे सामान थे, और मैं और सारे गैजेट लाता तो एक प्रॉब्लम ये भी थी कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अगर मैं कुछ ऐसे डिवाइसेस लेके आता तो उनको शक होता। आपको बता देता हूँ, जिस दिन मैं रशिया में लैंड हुआ था उस दिन मुझे 3 घंटे इमिग्रेशन पे रोका गया था, क्योंकि
फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे विजिट कर रहा था। दूसरी चीज़ ये थी कि मेरे हाथ में ये डिवाइस था, तो वो मेरे से ये पूछ रहे थे कि ये है क्या, और भाई मेरे लिए उतना समझाना मुश्किल हो गया था उनको कि ये मैं किस लिए लेके आया हूँ। और एक वॉकी टॉकी था, दो वॉकी टॉकी थे जिस वजह से, मतलब जिससे मैं कम्युनिकेट कर सकूँ, लेकिन वो उन्होंने वहाँ पर रखवा लिए और वो मैं लेके नहीं आ पाया। तो ये प्रॉब्लम होती है ऐसी जगहों पर शूट करने के लिए। लेकिन भाई थैंक्स टू, क्या नाम था भाई, अनुप कुमार शर्मा जी, जो मुझे यहाँ पे लेके आए, मुझे ये लोकेशन दिखाई और जिन्होंने बताया कि भाई ये एक जगह है हॉन्टेड। और पहले खासा वाला भाई था वो अब दूसरी जगह रहता था, और ये भाई अनूप था, तो भाई ने आज हेल्प करी है रशियन ट्रांसलेट करके, हिंदी को रशियन में ट्रांसलेट किया, तो थैंक्स टू यू भाई। और अभी आपको एक बार वो लोकेशन दिखाते हैं थोड़ा सा, जिसमें आपको पता चले कि कितनी बड़ी जगह है ये। मतलब इसको ना अगर हम पूरा कवर करें तो पूरी रात लग जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेडियम है। आपको पता है स्टेडियम कितना बड़ा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई ने पहले ही बोल दिया कि मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा। भाई आप बोलो भाई, आप थोड़ा, मैं बस डर रहे हो थोड़ा सा। हाँ मैं डर रहा हूँ, मैं इतना भी नहीं आया था आज तक, मैं पहली बार यहाँ तक आया हूँ आपके कहने पर। अच्छा, और मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। तो चलें यार, यहाँ से चलते हैं और मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, चलते हैं। हाँ कृष्णा भाई, आप इसको पकड़िए, मैं ज़रा इनको लोगों को थोड़ा सा स्टेडियम दिखाता हूँ और भाई के थ्रू। देखिए ये है वो पूरा सेटिंग, ये सेटिंग्स है यहाँ पे। हाँ। सेटिंग्स हुआ करती थी यहाँ पे। हाँ। ऐसे करके कम से कम 70-80 सेटिंग्स है। अच्छा, और कम से कम यहाँ 70-80 हज़ार लोग यहाँ रहते थे। 70-80 हज़ार लोग, हाँ, की कैपेसिटी है ये स्टेडियम। ओके, बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो ये 70-80 हज़ार लोग यहाँ पे एक साथ रहते थे, पर स्टार्ट होने से पहले खत्म हो गया सब कुछ खत्म हो गया। देखिए यार, अरे भाई ये देखिए, काई जम चुकी है ना। ये देखिए सेटिंग, देखिए यहाँ की, अब सेटिंग आपको पूरी क्लियर दिख रही है। हाँ, अब क्लियर दिख रहा है भाई, पूरा क्लियर दिख रहा है। ये देखिए पूरा आगे तक सेटिंग है। ये देखिए, मतलब इतना बड़ा स्टेडियम जो कि अबेंडेंट हो चुका एक ऐसी घटना के बाद, और वो घटना शायद आज तक मैंने सुनी नहीं है। भाई पकड़ना, सो गाइस मैं यही कहना चाहूँगा कि फाइनली मेरी टॉप मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन एक और कवर हुई, और प्लीज़ इसे प्यार करना, सपोर्ट करना, और प्लीज़ इस मेहनत को ना हर जगह बांट देना शेयर करके। बस मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग। और अब आप सोच सकते हैं कि एक अलग देश में आने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, बंदा आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो सिर्फ आपका सपोर्ट और प्यार। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक्स टू अनूप कुमार शर्मा भाई, जिन्होंने भाई यहाँ पर आके हेल्प करी। ये सिटी से कितने किलोमीटर बाहर की तरफ है? 80 किलोमीटर बाहर की तरफ है ये जगह। सोचो यार कितना, बस आप समझ जाओ। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करना ना भूलें, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी फिर से किसी नए देश में मिलेंगे बहुत जल्दी, बहुत एक ऐसी हॉन्टेड लोकेशन पे जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। थैंक यू।